नमस्कार दोस्तों, हम इंटीग्रल कैलकुलस में बीटा और गामा फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। उसके अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा, 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको हर चीज़ पता चल जाए। फॉर्मूले थे वो आपने याद कर लिए, अब कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे ये इसकी अंतिम क्लास है। उसके बाद आपका डबल एंड ट्रिपल समाकलन होगा, फिर ये आपकी ये भी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर कोई और जो नया टॉपिक इसके अंदर गया तो कोई टॉपिक रहा है वो कर लेंगे, या फिर हम नई बुक रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, फटाफट बुकें हम स्टार्ट करें हैं। पाँचवीं बुक हमारी स्टार्ट हो जाएगी 2-3 दिनों के बाद, और फिर 2 या 3 बुक और रहेगी। तो बीएससी वाला तो हम लगभग पोर्शन कर लेंगे जल्द ही, जब तक आपका नोटिफिकेशन वगैरह आउट होगा उससे पहले ये बीएससी वाला तो सिलेबस आपका हो जाएगा। 11th और 12th वाली भी आपका चल रहा है, उसके अंदर भी हमने 4-5 टॉपिक कर लिए हैं, तो वो भी आप क्लासेस देख सकते हैं। 2 क्लासेज आती है, 1 सुबह आती है और 1 शाम आती है, और दोनों की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग हैं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर चेक करना। देखो बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है, बहुत कमेंट आते हैं कि सर आप सुबह क्लास डालते हैं, शाम को भी डाला करें, 11th 12th वाला स्टार्ट करो। अरे 11th 12th वाला स्टार्ट किए तो लगभग 1 महीना हो गया होगा, 1-1.5 महीना हो गया है, उसके अंदर तो 5-6 टॉपिक भी हम क्लियर कर चुके हैं। तो वो आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखा करो, थोड़ा सा आप ध्यान से चीज़ें देखोगे तो आपको सारा मैटर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपकी काम की, अभी मैंने 3 प्लेलिस्ट बना रखी है, 3 या 4, एक टेस्ट सीरीज वाली टॉपिक वाइज वो आप देखो, दूसरा आपके लिए ये क्लासेस जो सुबह आती हैं 9:30 बजे वो प्लेलिस्ट, और एक अंतिम प्लेलिस्ट कौन सी है जो 11th और 12th वाला पोर्शन है वो प्लेलिस्ट, यानी ये 2 प्लेलिस्ट हैं और उनमें क्लासेज आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, 1 मिनट रुक जाओ। अब चलो, अब हम टॉपिक पर बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर आपका इसका टेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये डबल ट्रिपल वाला समाकलन वाला भी हम पोर्शन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन कि कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में ये भी आपको पता चलेगा। देखो क्वेश्चन, 0 से इन्फिनिटिव x²e−x²dx, इसका आपको समाकलन करना है, और ये समाकलन आप देख सकते हैं किस रूल से लगेगा, बीटा गामा वाले फंक्शन से ये आपका समाकलन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि 0 से इन्फिनिटी लिमिट होनी चाहिए, x²n-1 होना चाहिए और e²-x होना चाहिए dx, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन आप कह दोगे कि यहाँ पर तो एक्स स्क्वेयर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मानते हैं समाकलन के अंदर, तो ये वाला पोर्शन है आप एक्स स्क्वेयर को टी के बराबर मान लीजिए। अगर आप इसका अवकलन करोगे तो 2x dx बराबर क्या हो गया dt, 2x dx बराबर क्या हो गया dt। अब देखो यहां से आप dx की वैल्यू निकालो, dx बराबर, क्योंकि यहां ये भी आपको चाहिए, तो dx बराबर आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ गया dt/2x। ठीक है, और यहां पर आप देखो dx/dt/2x और एक्स स्क्वेयर बराबर आपने t माना है, तो x बराबर क्या होगा, देखो यहां पर x की वैल्यू भी t के रूप में लेनी है ना, √t, तो ठीक है ऐसा ही dt/2t^1/2, तो ये वैल्यू सारी है वो यहां पर आप पुट कर दो 0 से इन्फिनिटिव। ठीक है, एक्स स्क्वेयर की जगह t लिखोगे, e²- का t हो गया, और dx की जगह dt/2t^1/2। ठीक है, ये ऊपर जाएगी तो t^2 कितनी बच जाएगी, प्लस का 1/2, या देखना t^1/2 और 1 t^2 ये हो गई। अब देखो आगे, 0 से इन्फिनिटिव ये ऊपर जाएगी, यानी t^2 कितना बचा, आधी ही तो बचेगी ऊपर, आधी, और e²-t 1/2 बाहर आ गया, और dt। अब देखो ध्यान से, क्या अब भी ये क्या x²n-1 है, तो इसको इस रूप में कन्वर्ट करना होता है, तो देखो इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई, n-1/1/2। ठीक है, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई n/3/2। ठीक है, अगर ऐसा इस रूप में है तो यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 0 1/2 0 से इन्फिनिटिव, ठीक है,
टी की पावर 1/2 है, यानी इसको टी की पावर 3/2 -1 लिख सकते हैं, और ई की पावर -t dt। अब देखो ये, अब ये उस रूप में कन्वर्ट हो गया, किस रूप में, ये जो आपका फॉर्मूला है, अब इसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या, गामा एन के इक्वल, यानी यहां पर लिख सकते हैं आप 1/2 गामा एन, एन की वैल्यू क्या है 3/2। अब ये आपका आंसर आ गया। अब आपको ये रिजल्ट निकालना आता है, इसमें भी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, तभी मैंने कहा था कि फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आपको याद रखने ही रखने हैं, इसलिए मैंने बताया था। तो फॉर्मूला इसका मैंने गामा 3/2 का फॉर्मूला क्या बताया था, देखो यानी इसको गामा एन एन प्लस वन बराबर क्या लिख सकते हैं आप, गामा एन, ये फॉर्मूला एक आपको बताया था ना। तो देखो इसको पहले इस रूप में कन्वर्ट करो, 3/2 को एन प्लस वन के रूप में, तो देखो क्या क्या होगा, यहां पर ऐसा कन्वर्ट करोगे तो मैं इसको 1/2 गामा 1/2 + 1 ऐसा लिख सकता हूं, और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आपको क्या मिलेगा, 1/2 × 1/2 और गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट पाई होती है, तो 1/4 ये आ गया इंटू में अंडर रूट पाई, तो ये अंडर रूट पाई अपॉन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, लिख लो इसको कोई लिखना चाहता है। और दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के ये भी कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड पेपर मैथ्स का तो आप यहाँ पर तैयार करा रहे हैं, फर्स्ट पेपर कहाँ से हम तैयार करें, तो फर्स्ट पेपर आप अन अकेडमी पर तैयार कर सकते हैं। अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, और अन अकेडमी पर आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस, और आप केवल मात्र एक टीचर से नहीं, जितने भी वहां पर टीचर हैं, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर से आपको साइन अप करना है, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और यानी अगर आपने RPSC रखा है तो RPSC द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए जाते हैं, चाहे वो पटवार का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर उसमें देखो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये कोड GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी वहां पर मिलेगा। तो आज ही आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, और भी यहां पर लेटेस्ट नए नए बैचेस चलते हैं, उनमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके बाद आपको और कोई जरूरत नहीं, आप 2 साल का एक साथ ले सकते हैं, तो उसमें आपको 3 महीने एक्स्ट्रा पढ़ने को भी मौका मिलता है, और 2 साल का लेते हैं तो उसमें आपको लगभग 250 से 300 रुपये पर मंथ का ही खर्चा होगा, यानी लेकिन 1 महीने का लेते हैं तो उसमें आपको 1100-1200। तो आप 2 साल का, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 साल आप लंबी तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल का या फिर 1 साल का आप जरूर अन अकेडमी लें, और उसमें अगर ये कोड यूज करेंगे GBK10 तो आपको 10% वहाँ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आज ही अन अकेडमी डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और उसको भी सोल्व करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर आया है, कैसा, देखो डायरेक्ट आपको ऐसी वैल्यू देगा कि गामा माइनस का 3/2 की वैल्यू क्या है, बस इतना दिया है आपको, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं टेस्ट होगा तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर दूंगा ताकि आप उनकी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। तो ठीक है, अब मैंने आपको ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए, अगर ये प्लस का पॉजिटिव वैल्यू होती तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते थे कि 3/2 है, उसके 1/2 + 1 करके जो फॉर्मूला आपने पढ़ा वो लगा लिया, लेकिन आप नेगेटिव के अंदर है, इसका तरीका सीखो। तो चूंकि देखो आपने क्या पढ़ा था कि गामा 1 - n बराबर क्या होता है आपका पाई अपॉन साइन एन पाई, यही तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था। ये देखो फॉर्मूले आपको याद रखने जरूरी हैं, तभी आप क्वेश्चन आगे स्टार्ट कर पाओगे। तो देखो गामा एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस का 3/2
और गामा वन माइनस और माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, 3/2 बराबर पाई साइन एन पाई। अभी देखो एन की वैल्यू कितनी है, देखो एन की वैल्यू यहां पर कितनी है, माइनस का 3/2, तो यहां पर माइनस का 3/2 पाई आप वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, गामा माइनस का 3/2 और ये कितना हो गया 2 और 3 5, गामा 5/2 बराबर पाई। अब देखो जो 3π/2 है, 3π/2 आप देख सकते हैं, यानी 180 इंटू 3 आप करोगे, नीचे 2 का भाग 90 और ये हो गया आपका 270, 270 यानी ये किसका घर है, जो आपका तीसरा क्वाड्रेंट है, तो वो घर साइन का नहीं है, तो यानी माइनस आएगा, माइनस ये भी है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दोनों ये क्या हो गए प्लस हो गए। अब आप देख सकते हैं 270 पर साइन की जो वैल्यू है कितनी होती है, माइनस का 1 होती है ना, तो यहां पर ये आपका रिजल्ट हट जाएगा, फिर आपके पास केवल मात्र ये पाई बच जाएगा और नीचे गामा माइनस का 3/2 और ये आप नीचे भाग दोगे, देखो पाई अपॉन गामा 5/2, तो ये आप डायरेक्ट इसको सोल्व भी कर सकते हैं, देखो या फिर ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, अगर ये ऑप्शन दे रखा है तो ये रिजल्ट हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो गामा 5/2 है तो 5/2 को प्लस 1 के रूप में लिखोगे तो गामा 3/2 प्लस 1, जो फॉर्मूला हमने यूज किया था गामा एन प्लस 1 बराबर एन गामा एन, तो वो फॉर्मूला भी आप यहाँ पर यूज करोगे तो पाई, तो यहाँ पर क्या आएगा एन बाहर 3/2, फिर आप उसमें एक बार फिर लगाओगे तो 1/2, और उसके बाद जो आपके पास गामा 1/2 बचा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट पाई। तो देखो पाई ऊपर पूरा है नीचे आधा है, तो क्या बच जाएगा, ऊपर आधा अंडर रूट पाई, नीचे देखो 3 और ये 2 ऊपर जाएगा, यानी 4/3 अंडर रूट पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो और लिख लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही अगर आपसे एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, लिख लो इसको, फिर आगे एक और आंसर ऑप्शन देता हूं मैं, ठीक है चलो। ऐसा ही एक क्वेश्चन है आया हुआ है सेकंड ग्रेड के अंदर, एक दो क्वेश्चन इसके ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इसमें से, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन कई बार तो हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो आपका लेवल है उसके अंदर इतने हार्ड नहीं होते। बाकी मैंने करवाए हैं आपको जो फॉर्मूले हैं हार्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चीज़ें हम हर प्रकार की करेंगे, लेकिन चीज़ें एग्जाम के अंदर ऐसी ही पूछी जाती हैं जो 1-1.5 मिनट के अंदर सोल्व हो सके, बाकी जो लेंथी प्रोसेस हो जाती है ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ें भी नहीं होती, यानी हर प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो टॉपिक है इनमें से अब तक जो चीज़ें हैं वो सिंपल ही आई हैं, ऐसे अभी मैंने ये आपको ये दिया, ऐसे ही कोई और आप डायरेक्ट वैल्यू लगाकर कर सकते हैं, यानी 1 मिनट के अंदर सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो अब आगे क्वेश्चन आया है कि गामा माइनस का 1/2, ठीक है, यही अभी हमने माइनस का 3/2 किया था, तो सेम टू सेम वही तरीका, क्या इसको क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस का 1/2 और 1 माइनस एन, गामा 1 माइनस यानी प्लस का हो गया, ठीक है, बराबर क्या था पाई साइन एन पाई, एन किस गए क्या माइनस का 9/2 पाई, ठीक है। अब देखो गामा माइनस का 9/2 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गामा 11/2, ठीक है, वही तरीका यहां पर 11/2 है, तो यानी इसको सबसे पहले यहां पर लिख लो एक बार गामा 11/2, यहां देखो क्या लिख सकते हैं पाई साइन, ठीक है, माइनस का 9/2 पाई, और यानी साइन माइनस 9π/2 और माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा बाहर आ गया। अब देखो 9π/2 को आप कैसे लिख सकते हैं, यानी अगर आप बात करें 4π, अगर मैं ऐसा लिखूं प्लस का π/2, देखो 8 और 1 9, 9π/2 हो गया। अब देखो ये जो वैल्यू है 4π, यानी देखो
360 प्लस का थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस, देखो 360 माइनस थीटा होता तो वो अलग रहा होता, 360 प्लस यानी ये वापस पहले क्वाड्रेंट के अंदर चला गया और ये पहला क्वाड्रेंट क्या होता है, सभी का घर होता है, तो यानी ये माइनस आपका यहां पर आएगा और ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर तो किसी का माइनस नहीं आएगा। और पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब क्या हुआ, 90, और यहां से देखो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, और 180 है तो यानी बदलेगा नहीं, ये थीटा हो गया तो ये, और ये घर भी सभी का हो गया, तो यानी साइन डायरेक्ट आप पाई बाई टू की वैल्यू रख सकते हैं, पाई ऊपर है और माइनस का देखो नीचे है साइन पाई बाई टू, ठीक है। अब देखो माइनस का 9/2, अब ये इधर ले जाएं पाई, साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होगी 1, और ये माइनस का है तो माइनस का आगे आ गया, और नीचे क्या है गामा 11/2, इसको क्या लिख सकते हो वही तरीका, यानी प्लस 1 के रूप में लिखेंगे, 9/2 प्लस 1 लिखेंगे तो 9/2 बाहर आएगा, फिर उसको 7/2 इस रूप में, फिर 5/2, फिर 3/2, ऐसे ऐसे चीजें बाहर आती रहेगी ना, समझ गए होगे बात को। देखो 11/2 है तो इसको 9/2 प्लस 1 लिखोगे तो यानी एन गामा एन, तो 9/2 गामा 9/2, फिर आप वापस गामा 9/2 है उसको क्या लिखोगे 7/2 प्लस 1, तो उसमें 7/2 आपका बाहर आएगा, फिर 7/2 को क्या लिखोगे 5/2 प्लस 1, फिर 5/2 बाहर आएगा, फिर 5/2 को क्या लिखोगे 3/2 प्लस 1, फिर 3/2 बाहर आएगा, 3/2 को क्या लिखोगे 1/2 प्लस 1, 1/2 बाहर आएगा, और 1/2 लास्ट में जो गामा बचेगा उसकी वैल्यू अंडर रूट पाई, तो यही तरीका यहां पर होगा। माइनस का पाई देखो 11/2 ठीक है, इंटू में 9/2 इंटू में 7/2 इंटू में 5/2 इंटू में 3/2 इंटू में 1/2 और इंटू में अंडर रूट पाई, तो देखो यहां से ये क्या बच गया, अंडर रूट पाई ऊपर बच गया। अब दो चीजें सोल्व हो रही हैं, दो कितने हैं, दो दो चार, दो छह, दो देखो कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, दो की पावर छः, दो की पावर पाँच का मान 32 होता है और 32 2 64, यही आएगा ना, ओ सॉरी 11/2 थोड़ी ना आएगा, 9/2 प्लस 1 करोगे, सॉरी, तो यानी ये 32 आ गया, तो 32 आपका ऊपर आ गया ठीक है, और 32 अंडर रूट पाई माइनस का भी है, और नीचे देखो इनको गुणा करवा लो, 9 7 63, 63 और 15 को 63 इंटू 15 45, 15 छिके 90, 90 और 4 94, 945, यही आएगा ना 945, ये आपका आंसर हो गया। और दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, तो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और वहां पर ये इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, तो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, उस पर हमारे 1000 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर, थोड़े से टाइम में 1-2 महीने के अंदर ही 1000 स्टूडेंट्स की संख्या हमारे टेलीग्राम चैनल पर हो चुकी है। ऐसे ही सहयोग करते रहें, आगे और भी हम बढ़ते रहेंगे और पूरा कंप्लीट कोर्स YouTube पर हम करने वाले हैं। अब देखो आगे थोड़ा सा क्वेश्चन मैं चेंज करता हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि 0 से 1 आपको लिमिट दी है, 1 - x^4 और इसकी अंडर रूट है और dx, इसका मान आपको निकालना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये तो उन रूप में तो नहीं बन रहा जो आपने अभी बीटा और गामा किए हैं, लेकिन उनके जो फॉर्मूले हैं उनमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उन रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 3-4 फॉर्मूले पड़े हैं, अगर मैं यहां पर एक्स बराबर अंडर रूट साइन थीटा, अंडर रूट साइन थीटा लेता हूं, ठीक है, तो देखो अंडर रूट साइन थीटा लेंगे तो 1 - sin²θ, 1 - sin²θ मतलब cos²θ, और बाहर क्या आएगा cos θ, और यहां से आप dx की वैल्यू निकालोगे तो भी आपको चीजें मिलेंगी। तो देखो dx की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 साइन, देखो अंडर रूट थीटा का क्या होता है 1/2 अंडर रूट थीटा, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन थीटा
की पावर कितनी होगी माइनस का 1/2, और अंदर अब इस फंक्शन का होगा साइन थीटा का कोस थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा डी थीटा। तो यानी डीएक्स की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है। अब लिमिट देख लो, लिमिट लोअर लिमिट देखेंगे, अगर एक्स बराबर जीरो है तो थीटा बराबर देखो यहां पर जीरो है, अगर एक्स बराबर वन है तो वन कहां पर होता है साइन थीटा में, थीटा बराबर पाई बाई टू, तो लिमिट हो गई जीरो से पाई बाई टू। देखो एक बटा दो आएगा तो एक बटा दो मैं पहले ही बाहर ले लेता हूं। अब देखो इसकी जगह अंडरूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखना है अंडरूट साइन थीटा, तो यानी ये क्या बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर अंडरूट है तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा आपका बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका कोस थीटा बच गया। आगे जो डीएक्स है उसकी जगह क्या रखोगे, एक बटा दो मैंने पहली बार लिख लिया, तो साइन थीटा की पावर माइनस वन बाई टू और कोस थीटा डी थीटा। देखो कोस की वैल्यू कितनी होगी, कोस स्क्वेयर हो गया ना एक बटा दो जीरो से पाई बाई टू, तो साइन थीटा माइनस का वन बाई टू नीचे कोस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अब देखो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपको इस रूप में क्वेश्चन साइन और कोस के रूप में मिलता है तो आप एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्योंकि क्या था देखो दो इंटू जीरो से पाई बाई टू साइन टू एम माइनस वन थीटा कोस टू एन माइनस वन थीटा डी थीटा बराबर होगा बीटा एम एन के, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अब देखो यहां पर टू की कमी है, टू नहीं है वन अपॉन टू है, तो आप यानी यहां पर इतने पार्ट के लिए ये यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, तो इतने पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, देखो टू वहां पर भाग में जाएगा तो जीरो से पाई बाई टू साइन टू एम माइनस वन कोस टू एन माइनस वन डी थीटा, और ये एक बटा दो बीटा एम एन। ठीक है, एक बटा दो बीटा एम एन, यानी यहां पर आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन अब आपको एम और एन की वैल्यू यहां पर रखनी है, तो एम और एन की वैल्यू आप इससे तुलना कराओ, तो साइन वाले की गुणा ऊपर पावर की तुलना कराएंगे तो टू एम माइनस वन बराबर क्या आएगा माइनस का वन बाई टू। ठीक है, ये तरीका सरल है। अब देखो ये वन इधर जाएगा, वन इधर जाएगा, तो यानी ये कितना बच गया आपके पास प्लस का वन बाई टू बच गया। देखो ये इधर ऐड होगा, एक में से माइनस एक बटा दो आप ऐड करोगे तो प्लस का वन बाई टू बचा, और m का भाग दोगे तो m बराबर m का वैल्यू निकालोगे तो एक बटा चार m की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप n की वैल्यू तुलना करा लीजिए इससे, टू एन माइनस वन बराबर दो, तो n की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये तीन हो गया, और n बराबर कितना आ गया तीन बटा दो, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। तो एक बटा दो पहले ही था, और यहां पर आप एक बटा दो बीटा एम एन लिखोगे, इसकी जगह क्या लिखोगे, देखो एम की वैल्यू एक बटा चार, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, देखो अब इसको क्या लिखोगे एक बटा दो तो पहले ही था, अब इतने आगे वाले पार्ट को आप क्या लिखोगे इंटू में, देखो वहां पर एक बटा दो बीटा एम एन, और बीटा एम एन की वैल्यू आपको पता है एक बटा दो इंटू, या डायरेक्ट लिख दो एक बटा चार, बीटा एम की वैल्यू एक बटा चार और ये तीन बटा दो। ठीक है, अब ये आ गया, अब इसको आपको सोल्व करना आता है। सोल्व करना कैसे, आपने फॉर्मूला पढ़ा था बीटा और गामा फलनों में संबंध, वो क्या था बीटा एम एन बराबर गामा एम गामा एन अपोन में गामा एम प्लस का एन। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। देखो यहां पर एक बटा चार इंटू में है, तो पहले ही मैं देखो एक बटा चार गुणा में कर देता हूं, एक बटा चार बीटा एम एन एक बटा चार बीटा एम एन, क्योंकि फिर कहीं हम कैलकुलेशन में भूल जाएं, तो पहले ही एक बटा चार से हमने गुणा करवा दिया। अब देखो इंटू में गामा एम यानी गामा एक बटा चार, ठीक है, गामा एन यानी गामा एन का मतलब गामा तीन बटा दो। ठीक है, नीचे देखो गामा एम प्लस एन, तो एक बटा चार प्लस का तीन बटा दो। ठीक है, यहां से देखो एक बटा चार गामा एक बटा चार ऐसा कर रहने दो, गामा तीन बटा दो को क्या लिख सकते हैं गामा तीन बटा दो को एक बटा दो अंडरूट पाई। देखो आपको पता होगा गामा एन प्लस वन बराबर एन गामा एन, वही फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया है, तो देखो वही तरीका क्या हो जाएगा एक बटा दो अंडरूट का पाई और गामा एक बटा चार आपका ऐसा कैसा है। नीचे देखो क्या बनेगा, एलसीएम आपने ले लिया, यहां पर चार एलसीएम आ गया, दो
यहां पर एक और 3 2 6 यानी गामा 7/4 नीचे बच गया। गामा 7/4 आपका नीचे बच गया, ठीक है। अब देखो डर गए, बिल्ली आ गई और रात के समय लगभग टाइम हो गया है अभी 11:48 है रात को। मैंने सोचा क्या आवाज है आ रही है, एक बार के लिए डर गए थे। ये रूम में ही आई हुई है, चलो ये अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे। देखो अब देखो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 1/8 यहां पर हो गया और अंडरूट पाई और इनटू में क्या है गामा 1/4। अब देखो गामा 7/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/2। देखो गामा, इस गामा 7/4 को आप क्या कैसे लिख सकते हैं, 3/4 गामा 3/4 प्लस का 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यही तरीका 1/8 अंडरूट पाई गामा 1/4। अब इसमें से ये आपका बाहर निकल जाएगा 3/4 और अंदर क्या बच जाएगा गामा 3/4, ठीक है। आगे शायद इसको हम जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग हम उसी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं इसको। तो देखो इसको आगे हम सोल्व करेंगे, तो आपके पास 3/4 होगा, तो यानी ये 2 आ गया यहाँ से और ये आपके पास अंडरूट पाई बाई 6। देखो यहाँ से आप काटोगे 2 और 3 2 6, तो यानी 3 पाई अंडरूट पाई अपॉन 6, इसके साथ गुणा होगा ना ये अंडरूट पाई अपॉन 6 और गामा 1/4 बच गया और गामा 3/4 ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इतना ही था उसके अंदर, आगे और आप सोल्व नहीं कर सकते, इतना ही ऑप्शन दे रखा था, तो ये आपका आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन या 2-3 करेंगे। देखना एक क्वेश्चन है गामा 1/3 गामा 5/6 अपॉन में है गामा 2/3, ठीक है। और इसमें आपको रिजल्ट निकालना है कि क्या आएगा, और आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, चूंकि देखना एक फॉर्मूला गामा एम प्लस 1/2, ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके, गामा एम प्लस 1/2 इक्वल होगा अंडरूट पाई नीचे 2^2m-1 और गामा 2m इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो इसके अंदर अगर m की वैल्यू हम 1/3 लेते हैं गामा 1/3, तो यानी इसके अंदर प्लस 1/2 ग्रूम है 1/+1/2 ये स्टेप, तो क्या ये स्टेप आ रहा है, देखना ये आपका आ गया 5/6, तो ये स्टेप आ रहा है ना। और नीचे देखो यहां पर ये वैल्यू आपकी क्या है 1/3m, तो ये गामा 2m हो गया, तो ये देखो गामा 2m, तो देखो ये क्या बन गया आपके पास सेम ऐसा ही बन गया गामा m प्लस 1/2 और नीचे गामा 2m, m की वैल्यू 1/3 आप रखते हैं, m बराबर 1/3 रखते हैं, तो सेम रिजल्ट आ गया। तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा अंडरूट पाई नीचे 2^2m-1, तो वो वैल्यू रख दो अंडरूट पाई, m की वैल्यू कितनी थी 1/3 2 × 2 1/3-1, तो देखो यहां से जो रिजल्ट है वो आपके पास ऐसा रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा 2/3 में से आप -1 घटाओगे अंडरूट पाई 2/3 आपके पास बचा है, तो माइनस का यहां आपके पास बच गया माइनस का 1/3 2^-1/3 और ये ऊपर ले जाओगे तो अंडरूट पाई 2^1/3 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलो अब एक अंतिम क्वेश्चन हम करते हैं आज की इस लेक्चर का, फिर आपका टेस्ट होगा, ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखना क्वेश्चन है, जीरो से पाई बाई टू टेन की पावर कितना है एम एक्स, टेन की पावर एम एक्स और डी एक्स बराबर आपको प्रूफ करना है कि पाई बाई टू, देखो ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, सेक एम पाई बाई टू, ठीक है। अब देखो, अब इस टेन को आप क्या लिख सकते हैं, टेन को देखना, क्योंकि टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, जीरो से पाई बाई टू टेन को ऐसा लिखेंगे तो साइन, देखो इसकी पावर कितनी है एम, इसकी पावर एम है तो साइन एम एक्स, और यहां पर आगे कोस है तो ये ऊपर जाएगा यानी माइनस का, तो कोस की पावर माइनस का एम एक्स डी एक्स। अब वही जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बार बार हम ये चीजें पढ़ते आए हैं कि अगर ऐसा एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जीरो से पाई बाई टू लिमिट हो साइन एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा हो तो आप क्या रिजल्ट निकालोगे उसके अंदर, गामा फॉर्मूला पढ़ा था हमने एम प्लस वन बाई टू गामा एन प्लस वन बाई टू, और नीचे क्या आएगा गामा एम प्लस एन प्लस का दो अपोन में दो, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था और आगे इसके आगे दो और इंटू में होता है, ठीक है। तो यहां से आप तुलना करके रिजल्ट लिख सकते हैं, देखो m बराबर क्या है m ही है और n बराबर क्या है माइनस m है, तो ठीक है ऐसा ही रिजल्ट यहां पर लिखेंगे। देखो फॉर्मूले में डायरेक्ट अब लिखते हैं गामा m तो देखो क्या आएगा, आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो तो देखो यहां पर गामा एम प्लस वन बाई टू और यहां पर एन की जगह क्या होगा गामा माइनस का एम प्लस वन बाई टू, और नीचे देखना क्या होगा टू गामा, देखो एम और एन की जगह क्या है माइनस एम, तो एम माइनस एम ये जीरो हो गया और यहां पर टू टू अपॉन टू वन और गामा वन की वैल्यू वन, तो नीचे आपका टू ही बचेगा सिर्फ। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं गामा एम प्लस वन बाई टू और इसको गामा वन माइनस का, देखो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना वन माइनस किस रूप में, देखो गाम ये है एम माइनस वन और किस रूप में ये कैसा बन सकता है उसी हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, देखो वन माइनस एम प्लस वन बाई टू आप लिखेंगे तो भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा अपॉन में टू। अब देखो गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन जो आपका फॉर्मूला है क्या होता है पाई अपॉन साइन एन पाई, ये फॉर्मूला होता है ना पाई अपॉन साइन एन पाई और नीचे टू है ही आपका, तो पाई एम की जगह क्या रखोगे इंटू टू साइन एन एन पाई और एन की जगह क्या है आपका एम प्लस वन बाई टू इंटू पाई, ठीक है। तो देखो यहां पर पाई इंटू टू, देखो एक चीज आपकी यहां पर बन गई पाई बाई टू प्लस का साइन सॉरी पाई बाई टू साइन 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 इंटू टू पाई बाई टू प्लस में देखो क्या बनेगा यहां से एम पाई बाई टू, तो देखो 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा यानी ये चेंज होगा 90 अगर आ गया तो ये चेंज होगा कोस में और कोस एम पाई बाई टू आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा और टोटल रिजल्ट देखो यानी ये कोस में चेंज हो गया तो पाई बाई नीचे टू और ये कोस में कोस एम पाई बाई टू, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा पाई sec m पाई बाई टू और नीचे टू है, यही आपको प्रूफ करना था और ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, अब आपका टेस्ट होगा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर जो ये आपको मैंने कराया है इसमें कुछ 10-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको दूंगा जिससे आप अपनी प्रैक्टिस और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
चलिए थोड़ी सी यहाँ पर व्यवधान आ चुकी थी क्लास के अंदर, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।